what is the invite code what is the invite code Rebaba? enter the invite code to unlock your ppt what is the invite code what is the invite code good evening good evening good evening good evening what the baba enter the invite code to unlock your ppt what is the invite code negitan 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 Ye yes 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 negitan negi excellent

शिवम सुमेर गौरांग बालकृष्णा प्रभात श्रेय, वामसी यस यस अरुण इज आल्सो प्रेजेंट इंद्रजीत इज प्रेजेंट देवाइज प्रेजेंट वा ब्योटे वा बेउठे सो मेनी नेगी सोल्जर्स आर लाइव रे बाबा चलो सल स्टार्ट यस उत्पल इज प्रेजेंट चरण इज प्रेजेंट गोवाला इज प्रेजेंट सोमेश इज प्रेजेंट दीपक इज प्रेजेंट अविनाश इज प्रेजेंट वा ब्योटाई सतीश इज प्रेजेंट विनोद इज प्रेजेंट हिमांशु इज प्रेजेंट संजय इज प्रेजेंट गुना ग्रीस्मा इज प्रेजेंट जादव इज प्रेजेंट चलो 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 स्टार्ट किया जाए रे बाबा बेटा इन द लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कितने लोगों को याद है कितने लोगों को याद है वॉट इज योर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एस एफ ई हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या थी रे बाबा क्यू डॉट इज इक्वल टू वॉट डब्ल्यू डॉट सी वी प्लस वॉट डेल्टा के डॉट प्लस वॉट डेल्टा पीई डॉट Plus what delta is dot. There is one more format. A small Q is equal to a small WCV plus the delta is small KE plus delta is small PE plus delta is small H. My friends, anyone in the class can tell me what is the only and only condition? वट इज द ओनली एंड ओनली कंडीशन फॉर अप्लाइंग दिस स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन इसको अप्लाई करने की क्या कंडीशन है रे बाबा फटाफट से बता देंगे कम ऑन एवरी वन कम ऑन एवरी वन व ओनली कंडीशन फॉर अपलाइंग दिस फटाफट से बता दो वट इज द ओनली कंडीशन फॉर अप्लाइंग दिस फटाफट से बता देंगे रे बाबा द ओनली कंडीशन इज फ्लो मस्ट बी वॉट फ्लो मस्ट बी वॉट स्टडी फ्लो

और किलोजूल पर के जी अरे चंपा दिस फर्स्ट इक्वेशन इज इन रेट फॉर्म दिस फर्स्ट इक्वेशन इज इन रेट फॉर्म वेर एज दिस सेकंड इक्वेशन इज इन स्पेसिफिक फॉर्म है रे बाबा स्पेसिफिक की फॉर्म में है।, है ना यहां तक क्लियर है यस आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर होपई एंड एवरीवन इज क्लियर अरे फटाफट टाइप कर देंगे ऑफ एस एफ ई कहा हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं पहला एप्लीकेशन आ रहा है आपके सामने बेहतरीन तरीके से नॉजल द फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज ए नॉजल वट इज नॉजल लेटस सी बेटा ये नॉजल क्या होता है जरा ध्यान से देखते हैं नॉजल इज द स्टडी फ्लो डिवाइस नॉजल क्या है बेटा स्टडी फ्लो डिवाइस है इफ द नॉजल इज स्टडी फ्लो डिवाइस हंड्रेड परसेंट कैन अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर नॉजल अरे अगर नॉजल स्टडी फ्लो डिवाइस है तो हंड्रेड परसेंट एस एफ ई लगाने की सिर्फ एक ही तो कंडीशन है वो क्या है द फ्लो हैज टू बी स्टडी फ्लो सो हंड्रेड परसेंट आई कैन अप्लाई एस एफ ई फॉर नोजल विच इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी नोजल का काम क्या है नोजल इज द स्टडी फ्लो डिवाइस विच इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी विच इंक्रीजेस द वेलोसिटी कहां कहां यूज होते हैं नोजल्स आर यूज इन जेट प्रपल्सन सिस्टम एंड एट द इनलेट ऑफ इंपल्स टर्बाइन एनीवेज आप फ्यूचर में जब पढ़ेंगे ये सब चीजें तो आप देखेंगे वहां पर नोजल यूज होते हैं फिलहाल आपको एक चीज समझ चाहिए Nozzle is the steady flow device, and what is the purpose of nozzle? To increase the velocity, to increase the kinetic energy. I hope each and everyone is clear till here. Apko itana samaj magia nozzle kya hai steady flow device. Hai. What is the function of nozzle? The function of nozzle is to increase the velocity of the fluid, is to increase the kinetic energy of the fluid. But I nozzle hai. Let me say. This converging duct. This converging duct is behaving as a nozzle. So Chompu is asking. So you converging duct you Array, As the flow is moving forward, as the flow is moving forward, what is happening to the cross-sectional area? It is uh, decreasing. So let me assume, let me assume this uh, converging duct. Let me assume this converging duct. ज बिहेविंग एज नॉजल बहुत बढ़िया ब्यूटफुल ब्यूटफुल नाउ आई एम टेकिंग वन अजम्सन कब ये कन्वर्सिंग डक्ट नॉजल की तरह बिहेव करेगा वेन द फ्लो इज अब सोनिक फ्लो देर इज वन अजमसन बेटा आई वॉन्ट टू बी क्रिस्टल क्लियर विद यू पीपल वट इज अजम्पन अजम्सन इज फ्लो इज वॉट बेटा सब सोनिक फ्लो जो फ्लो हो रहा है वो सब सोनिक फ्लो हो रहा है इतना समझ में आ गया इतना समझ में आ गया इतना समझ में आ गया क्योंकि अगर सोनिक फ्लो हुआ तो कहानी हो सकता है कुछ और हो इनकम फ्लो चैप्टर यू विल बी लर्निंग इवन द कन्ट कैन बिहेव एज ए डिफ्यूजर जहां परिस कन्वर्जिंग डक्ट इज बिहेविंग एज ए नोजल एज ए नोजल एंड हंड्रेड परसेंट द कंडीशन इज अ फ्लो इज वट सब सोनिक फ्लो अब कोई चिंता नहीं है मुझे अब कोई चिंता नहीं है, है ना बात समझ में आ गई बेटा क्लियर है ट यहां तक क्लियर है आई होप ईच एंड इज क्लियर टिल चलो ना लुक एट हेयर बेटा प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली बिल्कुल ध्यान से देखना मजा से देखना मजा मजा आ आ जाएगा जाएगा बिल्कुल ध्यान से से लेट मी द्लूड इज एंट्रिंग फ्रॉम हेयर एंड दिस इज इनलेट मी से फ्लूड इज लिविंग फ्रॉम हेयर एंड दिस इज आउटलेट तो यार एक काम करते हैं अपन लोग इनलेट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से लेट मी रिप्रेजेंट इनलेट बाय आई let me represent outlet by o again i'm repeating please observe let me say this is inlet i am representing by i this is outlet i am representing by o now let me say here the at the inlet let me write here at the inlet cross sectional area is ai the velocity of the fluid is ci at the outlet

तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना अगर बात हो रही है नोजल की इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नोजल देन सीओ हैज टू बी मोर देन सी आई देन ओनली द पर्पज ऑफ नोजल इज सर्व यहां तक सब लोग क्लियर हैं यहां तक सब लोग क्लियर हैं ब्यूटिफुल 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 एक्सींट है एक्सीलेंट है रे बाबा अरे यार ये सब सोनिक फ्लो नहीं पता है क्या आप लोग को आपने मेरा फ्लूड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा क्या अरे गूगल ये यूट्यूब पे सर्च कर लेना कंप्रेसिबल फ्लो बाय नेगी सर आपको सब कुछ मिल जाएगा फॉर द टाइम लेट मी टेल यू ओनली वन थिंग द स्पीड ऑफ द फ्लूड फ्लो इज लेसर देन द स्पीड ऑफ साउंड है ना इतना मान लो मैक नंबर इज वेरी स्मॉल है ना लेस देन वन मान लो ठीक है ठीक है चलो अरे झमाझम जम क्लियर है रे बाबा चलो कंफर्म करो यहां तक यहां तक क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे बेटा यहां तक क्लियर है तो आगे चलेंगे देखो बेटा मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना चाहता हूं आर आई हैव क्लियरली वी आर आरिंग दब सोनिक फ्लो दैट मीन थ्रू आउट द नॉजल थ्रू आउट द कन्वर्जिंग दैट मीन्स वेलॉसिटी इज नॉट इक्वल टू और मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड है ना ठीक है चलो यहां तक क्लियर है वट्टा बेउठे वट्टा बेउठे आ जाओ बाबा एक्सेलेंट 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 नाउ लुक एट हियर, अब आपको मजा आने वाला है देखो कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू एस एफ ई अकॉर्डिंग टू वट एस एफ ई बेटा बिल्कुल ध्यान से देख लेना आपको मजा आ जाएगा क्यू डॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट सी वी प्लस डेल्टा के ई डॉट प्लस डेल्टा पी डॉट प्लस डेल्टा एक्स डॉट करेक्ट बात है क्यू डॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट सी वी प्लस डेल्टा के डॉट प्लस डेल्टा पी डॉट प्लस डेल्टा इज डॉट नाउ आउट ऑफ दीज फाइव टर्म्स हंड्रेड परसेंट वन टर्म बी जीरो

अरे कोई भी साफ्ट नहीं है ना अरे फॉर कंट्रोल वॉल्यूम वर्क यू नीड सम टू क्रॉस द बाउंड्री सम टू क्रॉस द कंट्रोल सरफेस कोई भी सॉफ्ट क्रॉस नहीं कर रही अरे बाबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट फॉर नोजल अरे देखो रे बाबा देखो रे बाबा दिस इज योर कंट्रोल सर्फेस राइट दिस इज योर कंट्रोल सर्फिस डॉटेड लाइन योर कंट्रोल सर्फिस ये दिस डॉटेड लाइन इज व्यूट दिसन इज योर कंट्रोल सर्फेस एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देर इज नो सॉफ्ट क्रॉसिंग दिस कंट्रोल सर्फेस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो हंड्रेड परसेंट एक चीज ध्यान में रखना बेटा कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए डब्ल्यू डॉट सी वीडियो फॉर द नॉजल विल बी जीरो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क हमेशा और हमेशा क्या रहेगा शून्य रहेगा तो ध्यान से देख लेना मजा आ जाएगा फॉर नॉजल फॉर नॉजल वट विल बी डब्ल्यू डॉट सी बी डब्लू डॉट सी वी विल बी शून्य और अगर डब्ल्यू डॉट सी बी शून्य हो गया तो क्यू डॉट क्या आ गया डेल्टा के डॉट प्लस डेल्टा पीई डॉट प्लस डेल्टा डॉट बेटा दिस इज द इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर नॉजल दिस इज मदर इक्वेशन बेटा ये है रेट की फॉर्म में इफ आई वॉन्ट आई कैन राइट इन स्पेसिफिक फॉर्म ऑल्सो वट इज दैट स्मॉल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल के ई प्लस डेल्टा स्मॉल पीई प्लस डेल्टा स्मॉल एच है रे बाबा यहां तक सब लोग क्लियर है यहां तक सब लोग क्लियर है जब भी आपके पास नोजल का क्वेश्चन आएगा वेन एवर यू आर गेटिंग द नोजल क्वेश्चन इन गेट एग्जाम जब भी वेन एवर वेन एवर इन गेट एग्जाम यू पीपल आर हैविंग नोजल क्वेश्चन इमीडिएटली दिस इक्वेशन मस्ट कम इन योर माइंड वे आर डब्ल्यू डॉट सी वी इज जीरो स्मॉल डब्ल्यू सीवी इज जीरो नोजल के लिए दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर नोजल और यह है मदर इक्वेशन रे बाबा दिस इज अ मदर इक्वेशन रे बाबा कहीं भी किसी भी नोजल के लिए आप लगा लेना दिस इज द मदर इक्वेशन राइट राइट चलो बहुत बढ़िया यहां तक क्लियर है आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर टिल क्लियर फटाफट से कंफर्म कर दो रे बाबा यहां तक सब लोग क्लियर हैं

किंग no, देखो ये है मदर इक्वेशन दिस इज मदर इक्वेशन इसके लिए बस आपको नोजल चाहिए अब मैं आगे बेहतरीन चीज डिस्कस कर रहा हूं ध्यान से देखना आई एम टेकिंग फ्यू अजम्पन्स आई एम टेकिंग फ्यू अजम्पन्स ऑब्जर्व 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 फोकस रे बाबा अजम्पशन नंबर वन नोजल इज ज वेल इंसुलेटेड इफ नॉजल इज वेल इंसुलेटेड इसका मतलब क्या है रे बाबा अगर नॉजल बेहतरीन झमाझम जम इंसुलेटेड है इसका मतलब क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस बिल्कुल सरफराज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है नोजल इज वेल इंसुलेटेड वट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्यू डॉट इज इक्वल टू वट शून्य देख रहे हो ना बेटा अरे ये क्या है चंपू ये क्या है चंपू दिस इज ब्यूटीफुल इंसुलेशन दिस इज झमाझम इंसुलेशन है नोजल इज वेल इंसुलेटेड द मूवमेंट नोजल इज वेल इंसुलेटेड देर इज नो ही ट्रांसफर क्यू डॉट इज सुनिया बहुत बढ़िया अफकोर्स देखो मैं कंट्रोल सरफेस फिर से बना के दिखा देता हूं आपको कंफ्यूज मत हो जाना दिस डॉटेड लाइन इज योर कंट्रोल सरफेस वॉट एवर द फ्ल्यूड आई एम हैविंग इन साइड दैट इज योर कंट्रोल वॉल्यूम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया छा गए गो अजमसन नंबर टू नोजल इज हॉरीजोंटल नोजल नोजल इज हॉरीजोंटल नोजल इसका मतलब क्या है देखो बेटा ध्यान से इसका मतलब क्या है सपोज दिस इज द डेटम लाइन सपोज दिस इज द ब्यूटिफुल डटम लाइन सो वट इज योर ऑब्जर्वेशन आपका क्या ऑब्जर्वेशन है देखो इनलेट पर जो पोटेंशियल हेड है वही आउटलेट पे है मैं सेंटर लाइन से देख रहा हूं है ना आर यू गेटिंग वट एम सिंग वट इज द मीनिंग ऑफ नॉजल इज हॉरिजेंटल जेड आई इज इक्वल टू जेड ओ एट द सेंटर लाइन दैट मीन्स वट एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल इज डेल्टा पी ई डॉट इज इक्वल टू सुनिया बेटा अगर ये दो एजम्सन और डाल दिए जाए देखो अगर ये दो एजम्पन और डाल दिए जाए तो मेरे पास क्या था देखो फॉर नोजल फॉर नोजल आई वॉज हैविंग दिस क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल्टा के ई डॉट प्लस डेल्टा पी डॉट प्लस डेल्टा एच डॉट है ना डब्ल्यू डॉट सी भी तो पहले ही जीरो था अब मैंने जो एजम्सन लिया उसके अकॉर्डिंग दिस क्यू डॉट इज शून्य दिस डेल्टा पी डॉट इज ऑल्सो शून्य सो वट आई एम गेटिंग डेल्टा के ई डॉट प्लस डेल्टा पी डॉट सॉरी डेल्टा इज डॉट ना डेल्टा एच डॉट इज इक्वल टू शून्य ये कंफर्म करो बेटा ये कंफर्म कर दो तो फटाफट से ये बात सही है क्या फटाफट से कंफर्म कर दो तो। ये बात सही है क्या ये बात सही है क्या फटाफट तो तो फटा से कंफर्म कर दो बेटा यस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आसिक वेरी गुड बेटा सुबहानी वेरी गुड कुमार वेरी गुड विश्वजीत वेरी गुड अंशु वेरी गुड हैरे बाबा कुंदन वेरी गुड संजय वेरी गुड गौरांग वेरी गुड और अगर मैं एक और फॉर्म लिखना चाहूंगा स्पेसिफिकली डेल्टा स्मॉल के ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच इज इक्वल टू तो शून्य ये आ गई बेहतरीन इक्वेशन नाउ एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी इफ आई वॉन्ट टू अप्लाई दीज इक्वेशन वट आर दट आर द कंडीशन वट आर दर मैं इस इक्वेशन इस इक्वेशन को लगाना चाहूं डेल्टा के ई डॉट प्लस डेल्टा एच डॉट इज इक्वल टू तो जीरो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी वट विल बी द कंडीशन कंडीशन क्या होंगी बेटा वेल इंसुलेटेड वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल ना वेल इंसुलेटेड वॉट हॉरिजॉन्टल नोजल फटाफट से कंफर्म करो फटाफट से कंफर्म करो यहां तक सब लोग क्लियर हैं बेटा ये है गर्लफ्रेंड इक्वेशन ये है गर्लफ्रेंड इक्वेशन शॉर्ट एंड स्वीट दिस इज अ गर्लफ्रेंड इक्वेशन विच इज कमिंग फ्रॉम मदर इक्वेशन ये गर्लफ्रेंड इक्वेशन कहां से आ रही है दिस गर्लफ्रेंड इक्वेशन इज कमिंग मदर इक्वेशन ब्यूटिफुल यस 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 एक्सीलेंट है मीनिंग ऑफ शॉर्ट एंड स्वीट और चंपू पहले गर्लफ्रेंड तो होनी है ना रे बाबा तब तो ये पता चलेगा वट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट एंड स्वीट ओके दिस इज ब्यूटिफुल गर्लफ्रेंड इक्वेशन शॉर्ट एंड स्वीट छोटी सी से गर्लफ्रेंड इक्वेशन है रे गॉड ओ यहां तक क्लियर है तो देखो मैं हमेशा बोलता हूं वी कैन ऑलवेज गेट गर्लफ्रेंड इक्वेशन फ्रॉम द मदर इक्वेशन Your mother can give you girlfriend, but your girlfriend cannot give you mother. तो so always remember mother equation. Mother equation है तो बहुत बढ़िया है. Mother equation आपको याद रखनी है. Girlfriend की condition होती है याद रखना. Mother की कोई condition नहीं है. Mother की कोई condition नहीं है. अरे nozzle तो है ही. Mother की बट girlfriend की देखो well insulated, well insulated होना है. साथ में क्या होना है चम्पू को horizontal भी होना है रे बाबा. इतनी सारी condition है. माय गॉड ओ माय गॉड व्योठे हाहा, यहां तक क्लियर है अब सुनना बेटा एक बेहतरीन चीज एक एनालिसिस करवाता हूं आपको मजा आ जाएगा और बताऊंगा आपको आई विल बी टेलिंग यू नोजल से गेट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं चार वैरायटी बताऊंगा और वहीं से क्वेश्चन आएंगे और वहीं से क्वेश्चन आएंगे आपको बस वो चार वैरायटी समझनी है किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में नॉजल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरी अल्टरनेट आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम हेयर ओके सो बी केयरफुल चलो ध्यान से देख लो आप डेल्टा स्मॉल के ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच इज इक्वल टू शून्य करेक्ट हंड्रेड परसेंट हाफ इन ब्रैकेट सीओ स्क्वायर माइनस सी आई स्क्वायर प्लस स्मॉल एच ओ माइनस स्मॉल एच आई इज इक्वल टू शून्य अब देखो बेटा मुझे एक चीज बताना कैन यू टेल मी बेटा दिस टर्म विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी हंड्रेड परसेंट दिस टर्म विल बी पॉजिटिव हंड्रेड परसेंट

what will be this this will be negative अरे positive एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी को नेगेटिव होना होगा तभी तो समेशन 0 आएगा चंपो सो ho hi is a negative less than 0 what is the meaning of this ho is less than hi oh my god इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया ध्यान से सुनना बेटा इसका मतलब ये हो गया इफ इफ यू आर हैविंग वेल इंसुलेटेड इफ यू आर हैविंग वेल इंसुलेटेड हरिजोंटल नोजल देन हंड्रेड परसेंट वेलॉसिटी एट द आउटलेट विल बी मोर देन द दैलॉसिटी एट इनलेट एट द सेम टाइम 100 percent specific enthalpy at the outlet will be less than specific enthalpy at the inlet. That means, if kinetic energy is increasing, enthalpy is decreasing. Are you clear with this? Are you clear? Are you clear? Are you clear with this? Are you झम जम। अरे चंपू रे बाबा चंपू वेन द इज़ फ्लोइंग थ्रू वेल इंक्रीजिंग बट स्पेसिफिक रीजन वाई एच ओ इज लेस देन एच आई ओ हो वा बेउे एक्सीलेंट है रे बाबा अब मैं बताऊंगा गेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अरे मजा 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 फील म... ले लो रे बाबा फील ले लो रे बाबा अरे कानीटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कुछ कम हो रहा होगा ना वो कम क्या हो रहा है वो कम हो रही है अब सुनना ध्यान से बेटा गेट एग्जाम में ना आपके साथ खेलता है एग्जामिनर गेट एग्जाम में एक और चीज देगा एक और चीज देगा वो होगी परफेक्ट गैस देखो जरा हेडिंग परफेक्ट गैस ध्यान से सुनना बेटा गेट एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बनेगा बस क्लास अटेंड करते रहना कीप अटेंडिंग द क्लासेज आई एम टेलिंग यू इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम पार्ट लेकिन बस दिमाग खुला रखना और समझते रहना अब देखो गेट में क्या बोलता है जो फ्लूड फ्लो हो रहा है द फ्लूड विच इज फ्लोइंग थ्रू द नॉजल दैट इज परफेक्ट गैस सो ध्यान से देखो हेडिंग पढ़ो पहले परफेक्ट गैस फ्लोइंग थ्रू वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल। तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो रही है एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो रही है व्हाट इज दैट नाउ द फ्लू विच इज फ्लोइंग थ्रू द नोजल इज परफेक्ट गैस ओके नाउ लिसन केयरफुली देर विल बी फोर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन गेट एग्जाम द फर्स्ट टाइप दे विल बी आस्किंग यू वट इज द वलॉसिटी एट द आउटलेट ऑफ नॉजल पहला क्वेश्चन अरे आप बोल रहे हो ना यू आर से you are saying sir velocity will increase so what will be the velocity at the outlet of nozzle first variety of question which comes in gate exam second variety you are saying the enthalpy will decrease and if you are having the perfect gas enthalpy is the function of temperature second question they will be asking you what is the temperature at the outlet of nozzle what is the temperature of the perfect gas at the outlet of nozzle third question विल बी आस्किंग यू वट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस डेंसिटी ऑफ द परफेक्ट गैस एट द आउटलेट एंड फोर्थ क्वेश्चन आउटलेट एरिया आउटलेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द नॉजल रेडी है चारों को समझने के लिए क्वेश्चन समझ में आ गए ये चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में अगर आप रेडी हैं तो आगे चलते हैं अगर आप लोग रेडी हैं तो फिर आगे चलेंगे बेटा फटाफट से बोलो अगर आप रेडी हैं तो आगे चल रहे हैं रे बाबा चलो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो चलो नेगी सोल्जर्स रडी है रे बाबा रे जम रडी चलो फर्स्ट वन वेलोसिटी एट द आउटलेट अब देखो यहां पर क्या क्या गिवन होगा एग्जाम में एग्जाम में क्या क्या गिवन होगा देख लो They will be giving you perfect gas. They will be giving you perfect gas. They will be giving you well insulated, well insulated horizontal nozzle. Horizontal nozzle. what will be the data given given data will be cp cv ci ti to what you need to find to find co कैसे करोगे बेटा कैसे करोगे देखो ध्यान से सुनना listen carefully बस बन गया क्वेश्चन गेट का परफेक्ट गैस इज गिवन परफेक्ट गैस इज गिवन सीपी इज गिवन सीवी इज गिवन कोर्स यू नीड नॉट टू वरी दिस इज योर कंट्रोल सरफेस एंड इनसाइड वॉल्यूम इज अ कंट्रोल वॉल्यूम और क्या दिया है बेटा और क्या दिया है आपको डेटा डेटा दिया है इनलेट पर आउटलेट पर इनलेट पे दिया है सी आई इनलेट पे दिया है टी आई आउटलेट पर दिया है टी यू कैसे निकालोगे बेटा हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड अरे आई एम हैविंग कैन आई अप्लाई गर्लफ्रेंड इक्वेशन जल्दी से बताना क्या मैं गर्लफ्रेंड इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं बेटा कैन आई अप्लाई गर्ल फ्रेंड इक्वेशन रे बाबा कैन आई अप्लाई गर्ल फ्रेंड इक्वेशन रे बाबा यस आई एम हैविंग वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल हैल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही मैंने गर्लफ्रेंड इक्वेशन अप्लाई करी क्या बोलती है गर्लफ्रेंड इक्वेशन डेल्टा के ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच इज इक्वल टू शून्य वट इज डेल्टा के डेल्टा स्मॉल के ई हाफ सीओ स्क्वायर माइनस सी आई स्क्वायर एनी वन इन द क्लास कैन टेल मी हाउ टू राइट दिस डेल्टा स्मॉल एच ये डेल्टा स्मॉल एच को अपन लोग क्या लिख सकते हैं रे बाबा ये डेल्टा स्मॉल एच को क्या लिख सकते हैं रे बाबा फटाफट से बता देंगे फटाफट से बता देंगे बोलो रे बाबा बोलो रे बाबा व्हाट कैन वी राइट फॉर डेल्टा स्मॉल एच ये डेल्टा स्मॉल एच को क्या लिख सकते हैं रे बाबा जल्दी से बोलो रे बाबा आई एम हैविंग द परफेक्ट गैस आई एम हैविंग द परफेक्ट गैस मेरे पास परफेक्ट गैस है वट एवर द फ्लू इज फ्लोइंग थ्रू दिस वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल दैट इज योर परफेक्ट गैस और अगर परफेक्ट गैस है रे बाबा हंड्रेड परसेंट सी डेल्टा टी यार लोगे अब तो कर लोगे महाराज अब तो कर लोगे अब तो कर लोगे यू कैन इजिली फाइंड आई नीड टू फाइंड Co मुझे सीओ निकालना है मुझे सीओ निकालना है Ci गिवन है टीओ गिवन है टी आई गिवन है आराम से निकल जाएगा एक एक क्वेश्चन करवा देता हूं एक क्वेश्चन करवा देता हूं ये लो जी एक क्वेश्चन करवा देता हूं गेट 2022 गेट 2022 क्वेश्चन क्या है मान लो एयर है एयर इज फ्लोइंग एंड सीपी इज वन आर एच चंपू हो गया बोर्ड 1.005 किलो जूल पर केजी पर कैलविन सी आई इज टेन मीटर पर सेकेंड वेल इंसुलेटेड हॉरिजेंटल नॉजल गिवन है बेटा है ना टी आई मान लो थाउजेंड कैलविन है और टी ओ मान लो थ्री हंड्रेड कैलविन है बस ये डेटा गिवन है निकाल लोगे क्या कैन यू फाइंड फटाफट से निकाल के बताना आई होप आप लोग कैलकुलेटर लेकर बैठे हो जल्दी से बता दो अब जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आ रही है सी ओ की सीओ निकालना बेटा यू नीड टू फाइंड सीओ फटाफट से बता दो इज द वैल्यू ऑफ सी ओ यू पीपल है ना इफ यू आर हैविंग द परफेक्ट गैस डेल्टा आरिंग स्मॉल एक्स विल बी सीपी डेल्टा टी फटाफट से बताओ बहुत आराम से निकाल लोगे बहुत आराम से निकाल लोगे हाफ सीओ निकालना है सीओ स्क्वायर माइनस सी आई स्क्वायर टेन स्क्वायर पी वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव डेल्टा टी टीओ माइनस टी आई इज इक्वल टू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक्सेलेंट है रे बाबा कर लोगे कर लोगे क्या रहा है आंसर बता दो फटाफट से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विक्रमजीत गौरांग छा गए विश्वजीत छा गए रे बाबा साथु बहुत बढ़िया बेहतरीन है रे बाबा ब्यूटीफुल आई एम वेरी वेरी हैप्पी एक्सीलेंट एक्सीलेंट है रे बाबा हैप्पीट रॉन्ग आंसर एब्सोल्यूटली रॉन्ग आंसर बिल्कुल गलत आंसर है बिल्कुल गलत आंसर है बिल्कुल गलत आंसर अब बेटा यही सीखना है आपको फार्मूला आपको पता था लेकिन आपको यह नहीं पता था डेटा कैसे रखना है और यही सबसे बड़ी गलती होती है और यही कहलाता है एक्सपीरियंस आपसे गलती करवा दी आपसे गलती करवा दी आपसे गलती करवा दी देखो देखो वाई इट्स रॉन्ग आई विल बी टेलिंग यू ये गलत क्यों है मैं बताता हूं आपको देखो प्लीज अंडरस्टैंड हेयर यू आर राइटिंग वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड सो द यूनिट ऑफ दिस विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डैट मींस जूल पर केजी। बेटा ये वाली जो टर्म है इसका यूनिट है पहली वाली जो टर्म है इसका यूनिट है जूल पर केजी। ये जो दूसरी वाली यूनिट है इसमें आपने सीपी रखा है 1.005 किलो जूल पर केजी पर कैलवीन यानी कि इसकी यूनिट है किलोजूल पर के ज द रीजन यूनिट्स आर नॉट मैच यूनिट मैच ही नहीं है तो आप सीओ की वैल्यू कैसे निकाल दोगे आर यू गेट वात समझ में आ रही बेटा अब यह गलती आपने पहली बार और लास्ट बार की है दिस मिस्टेक यू हैव डन फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम डेट इट आज के बाद कोई भी नेगी सोल्जर इतने इजी क्वेश्चन में गलती करके नहीं आएगा आज के बाद कोई भी नेगी सोल्जर एग्जाम में या कहीं और यह गलती करके नहीं आएगा यूनिट्स आर नॉट मैच द फर्स्ट टर्म हाफ सीओ स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज हैविंग द यूनिट ऑफ जूल पर के जी बट द सेकंड टर्म वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव इन ब्रैकेट थ्री हंड्रेड माइनस थाउजेंड इज हैविंग द यूनिट ऑफ किलो जूल पर केजी इट इज नॉट मैस्ड मैच करेंगे मैच करेंगे पहले यूनिट मैच करेंगे अब दो तरीके हो सकते हैं

everything converting everything in joule per kg okay then what will happen this first term is already in joule per kg no problem this first term is already in joule per kg no problem i will be multiplying this second term by 1000 so 1.005 will become 1005 थ्री हंड्रेड माइनस थाउजेंड बहुत बढ़िया आ गया आपका आंसर अब नाउ यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर अब आपका आंसर सही आने वाला है नाउ यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर नाउ दिस इज ऑल्सो इन जूल पर केजी एंड दिस इज ऑल्सो इन जूल पर केजी बहुत बढ़िया वट कैन बी द सेकेंड वे वट कैन बी द सेकेंड वे कन्वर्टिंग converting everything converting everything in kilo joule per kg so now what I am going to do the first term I will be dividing by thousand so it will become 1 by 2000 CO square minus a 10 square plus 1.005 फर्स्ट टर्म वॉज इन जूल पर के जी सो आई कन्वर्टेड किलोजूल पर केजी दिस वॉज ऑलरेडी इन किलोजूल पर के जी सो नो चेंज अब बताओ बेटा आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नाउ द फर्स्ट टर्म इज इन किलोजूल पर केजी सेकंड टर्म इज ऑल्सो इन किलोजूल पर के जी यूल बी गेटिंग द राइट आंसर जल्दी से बताओ अब आंसर क्या रहे नाउ यू टेल मी वट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग हाँ. अब बताइए बेटा आंसर क्या रहा है नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग वन वन एट सिक्स वन वन एट सिक्स यू शुड गेट वन वन एट सिक्स यू शुड गेट कोई भी मेथड यूज कर लो कोई भी मेथड यूज कर लो आंसर मस्ट बी समथिंग लाइक दिस यही आ रहा है चाहे ये वाला यूज करो चाहे ये वाला यूज करो का आंसर सेम बोलो रे बाबा फटाफट से ये आ अखिलेश छा गए गर्व सुमेर वेरी गुड विक्रमजीत वेरी गुड न्यूटन वेरी गुड कुंदन अलाउद्दीन वाह 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 वा बेउठी वा, 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 बेटा अगर अगर ना कुछ नया सीखने को मिला यहां पर कि क्या गलती जनरली होती है और अब वो आप फ्यूचर में नहीं करने वाले हो तो यार ये हार्ट्स के तो लाइन बन जाए पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा मजा आ जाए मजा आ जाए वेरी गुड वेरी गुड वाह दीपक वेरी गुड सुमेर वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड ये हुई ना बात ये हुई ना बात इसे बोलते हैं नेगी सोल्जर्स आयुष इंद्रजीत वाह 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 यस यस किशोर विषय सुमैर अनिकेत छा गए गुरु वैशाली साले एक्सीलेंट है रे बाबा वाह 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 यस प्रदीम वेरी गुड प्रतीकसा वेरी गुड नितीश वेरी गुड नवनीत वेरी गुड चंदन वेरी गुड वाह वाह परास अनिकेत श्रेया वेरी गुड बेटा चलो 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 वाह 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 विशाल वा, शिवा एक्सीलेंट है रे बाबा वाह अनुरांज वेरी गुड बेटा चंदन एक्सिलेंट चलो आगे चलते हैं अब ये सबको समझ में आ गया इज इज क्लियर क्लियर दिस क्या पूछता है ध्यान से पूछा जाता है व्हाट इज एट आउटलेट ध्यान से सुनना क्या क्या गिवन होगा पूरा अच्छे से लिखता आप लोगों के लिए परफेक्ट गैस विल बी गिवन परफेक्ट गैस विल बी गिवन वेल इंसुलेटेड वेल इंसुलेटेड हॉरिजोंटल नोजल विल बी गिवन बढ़िया है ना क्या क्या होगा गिवन डेटा गिवन डेटा विल बी फेक्ट गैस है तो सीपीसीवी विल बी गिवन टी आई विल बी गिवन सी आई विल बी गिवन सी ओ विल बी गिवन वट टू फाइंड टू फाइंड इज टी ओ बताओ कैसे निकालोगे कैन यू टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड बेटा कैसे निकालने वाले हो बेटा दिस डॉटेड लाइन इज योअर कंट्रोल सरफिस आई एम हैविंग सम परफेक्ट गैस फ्लोइंग थ्रू वल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल दिस इज द परफेक्ट गैस विच इज फ्लोइंग थ्रू वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल हैविंग कॉन्स्टेंट सी पी सी वी मी से दिस इज इनलेट लेट मी से दिस इज आउटलेट सी आई इज नोन टी आई इज नोन सी ओ इज नोन वी नीड टू फाइंड टी ओ कैसे निकालोगे फटाफट से बता दो अरे तो ईजी है ये तो इजी पीजी लेमन स्क्विजी है रे बाबा अरे कुछ नहीं वही तो है वही तो है बस घुमा दिया इस बार थोड़ा सा डेल्टा के ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच जीरो हाफ सीओ स्क्वायर माइनस सी आई स्क्वायर प्लस सी पी टी ओ माइनस टी आई इज इक्वल टू शून्य कर लोगे ना कर लोगे ना कर लोगे ना वही चीज है वही चीज है आराम से कर लोगे है ना आराम से कर लोगे बहुत बढ़िया है 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 ना बस सीओ सीओ दिया है, दिया है, अभी क्या है वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ नोजल इज गिवन एंड इज आस्किंग व्हाट इज द टेंपरेचर एट द आउटलेट ऑफ नोजल अब मैं यहां पे एक बेहतरीन चीज दिखाता हूं बेटा अब मैं यहां पर आपको एक बेहतरीन चीज दिखाता हूं एक बढ़िया एनालिसिस करवाऊंगा आपको मजा आ जाएगा देखना बेटा हाफ सीओ स्क्वायर माइनस सी आई स्क्वायर प्लस सी पी टी ओ माइनस टी आई मस्ट बी शून्य बेटा बताना जरा ईमानदारी से बताना फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव यह जो पहला वाला टर्म है फॉर नॉचल दिस फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव और बता दो बेटा यह पहला वाला टर्म पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कम ऑन एवरी वन कम बेटा बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वालों आपको मजा आने वाला है दिस फर्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव हंड्रेड परसेंट देर इज नो डाउट देर इज नो डाउट This first term will be positive because that is the function of the nozzle. The function of nozzle is to increase the velocity. So 100% co is more than Ci. 100%. This first term has to be positive. But I a second term If the first term is positive, second term will be what? Second term will be negative. And if the second term is negative, what is the meaning of that? Egg bar CP. To minus Ti must be negative, must be less than 0. That means टी माइनस टी आई मस्ट बी लेस देन जीरो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया टीओ मस्ट बी लेस देन टी आई ओ माई गॉड आर यू गठ आई एम हैविंग अगर मेरे पास इफ आई एम हैविंग सम परफेक्ट गैस इफ आई एम हैविंग सम परफेक्ट गैस विच इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजोनटल Well insulated horizontal nozzle, then 100% at the outlet, the velocity of the perfect gas will be more than the velocity of the perfect gas at the inlet, and temperature at the outlet will be less than the temperature at the inlet. Yani ki agar inlet per temperature hajar Kelvin hai. Let us suppose the temperature of the perfect gas at the inlet is 1000 Kelvin, then 100% the temperature at the outlet will be less than 1000 Kelvin. Are you clear till here? यहां तक है क्लियर ओ माई गॉड ब्यूटी व्योठे वाउे ब्यूटी बोलो रे बाबा आर यू क्लियर टिल तक झमा झम जम क्लियर है कंफर्म करो रे बाबा कंफर्म करो रे बाबा कंफर्म करो पूरी चैट बॉक्स लाल हो जाए अगर आपको यह चीज समझ में आ गई है 100% परसेंट टेम्परेचर एट द आउटलेट विल बी लेस देन द टेम्परेचर एट द इनलेट अरे चार ऑप्शन दिए हैं चार ऑप्शन दिए हैं बोलता है द टेम्परेचर एट द इनलेट इज द थाउजेंड कैलविन चार ऑप्शन दिए एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड इलेवन हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड चंपा दउटलेट टेम्परेचर कैन नॉट बी इलेवन हंड्रेड कैलविन एट द आउटलेट टेम्परेचर कैन नॉट बंड्रेड कैलविन हंड्रेड परसेंट इट है तो दो ऑप्शन हो गए दो ऑप्शन तो यही खत्म हो गए हंड्रेड कैलविन यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है बोलो रे बाबा बोलो रे बाबा आर योर क्लियर टिल बहुत बढ़िया ये ये येस सेल्वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक चलो अब ध्यान से सुनना यहां पे मजा आने वाला है यहां पर मजा आने वाला है ध्यान से सुनना अरे रे 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 एक चीज अरे चंपा एक चीज और ये देखो ये देखो कहीं पे मैंने गेट 2022 ये हटा देता हूं अरे बाबा पता चला पता चला ये गेट 2022 में आ गया तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे सर आपको पेपर लीक हो गया था हटा देता हूँ रे बाबा आ आ गया मान लो आई टी में आई आई खड़गपुर वालों ने कॉपी पेस्ट मार दिया तो आ सकता है इट कैन कम चंपा इट कैन कम तो हटा देते रहा हूं मुझे नहीं पता है हाँ हटा देता हूं <laughs> चलो look at here what will be the third type of question let us suppose we are having perfect gas which is a flowing through well insulated horizontal nozzle horizontal nozzle now what will be the given data डस्सी वट वि गिवन डेटा सीपी विल बी गिवन सी बी विल बी गिवन सी आई विल बी गिवन टी आई विल बी गिवन सीओ विल बी गिवन टू फाइंड टू फाइंड रो ओ बेटा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं लुक दिस इज योअर वेल इंसुलेटेड हॉरिजोंटल नोजल, सम परफेक्ट गैस इज फ्लोइंग थ्रू दिस वेल इंसुलेटेड हॉरिजोंटल नोजल हैविंग कॉन्स्टेंट सीपीसीवी मी से दिस डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग ब्यूटीफुल कंट्रोल सर्फिस ब्यूटिफुल कंट्रोल सर्फिस क्या ही तो कंट्रोल सरफेस है लो कैटे डेटा क्या दिया है डेटा क्या दिया है डेटा क्या दिया है सी आई इज गिवन टी आई इज गिवन सी ओ इज गिवन पीओ इज ऑल्सो गिवन है ना एक डेटा और एड कर लो पी ओ दिया हुआ है कैसे निकालोगे बेटा ही इज आस्किंग द डेंसिटी एट द आउटलेट हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड डेंसिटी एट द आउटलेट फटाफट से बता दो अरे वो छोड़ो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ये बताओ ये बताओ निकालोगे कैसे बेटा याद है याद है जब मैं आइडियल गैस इक्वेशन आपको पढ़ा रहा था वेन आई वॉज टीचिंग आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आपको कुछ फॉर्मेट दिए थे बार टी इट वॉज इन नंबर ऑफ मोल्स पीवी इज इक्वल टू एम आर टी इट वॉज इन मास एक और बेहतरीन इक्वेशन दी थी कितने लोगों को याद आ रहा है P is equal to rho RT. Pressure is equal to density into capital R into T. Are you able to recollect? Where capital R is what? Characteristic gas constant. I hope you are able to recollect. I am having the perfect gas. Of course, perfect gas. For perfect gas, I can apply the ideal gas equation. So I can write. I can write according to ideal gas equation. According to ideal gas equation, what are we having? What are we having? P is equal to rho RT. So what is rho? What is rho? Rho is equal to P upon RT. So rho o is equal to P o upon R P o. अरे समझ में आ गया रे बाबा आर यू क्लियर ऐसे निकालेंगे रो ओ ऐसे निकालेंगे रो ओ ओ माई गॉड रो इज इक्वल टू वट पीओ अपॉन आर टी बट आर तो निकल गया आर तो निकल गया कैपिटल आर इज वट सीपी माइनस अरे चंपो ये आर क्या है रे बाबा ये आर चंपू को नहीं पता है क्या ये कैसी बात करता है रे बाबा चंपू आर इज इक्वल टू वट सीपी माइनस सी आर तो पता है क्वेश्चन अब ये टी ओ कैसे निकलेगा यारी ओ गिवन है क्वेश्चन पीओ इज ऑलरेडी गिवन इन द्वेशन आर इज सी पी माइनसाउ टू फाइन दिस बताओ ये टीओ कैसे निकालूंगा अरे इसके लिए वो नॉजल वाली इक्वेशन है ना रे बाबा अपनी वो बेहतरीन वाली नॉजल वाली इक्वेशन है ना रे बाबा हाफ सीओ स्क्वायर माइनस सी आई स्क्वायर प्लस टी ओ माइनस टी आई इज इक्वल टू वट शूनिया इस को यहां रख देना बेटा देखो पहले दो टाइप के क्वेश्चन द फर्स्ट टू टाइप ऑफ क्वेश्चन वे आर दर आस्टिंग दलॉसिटी एट द आउटलेट ऑफ नोजल टेम्परेचर एट द आउट ऑफ आउटलेट ऑफ नॉजल स आर फ्रेम्ड बाई वेरी काइंड हार्टेड पर्सन लाइक मी आई आई टी बॉम्बे के प्रोफेसर ऐसा पेपर सेट करते हैं आई आई टी बॉम्बे के प्रोफेसर कूल प्रोफेसर ऐसा 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 क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं आई आई टी बॉम्बे के आई आई टी गुवाहाटी के चिल बच्चों को कोई बात नहीं इजी क्वेश्चन दे दो जो थोड़े खड़ूस प्रोफेसर होते हैं लिटिल खड़ूस प्रोफेसर दे विल बी सेटिंग दिस क्वेश्चन विल बी सेटिंग दिस क्वेश्चन जान निकल जाएगी इसमें बच्चे की पहले तो बेचारा यहां से टी ओ निकालेगा फिर टीओ से रो ओ निकालेगा आर यू गेटिंग आर यू गेटिंग मटाइम सिंह ये ना ये खड़ूस प्रोफेसर का दिमाग है कि बच्चे से डबल मेहनत करवाओ बच्चे से डबल ऐस, ऐस, ऐसा ऐसा पेपर ना खड़ूस प्रोफेसर सेट करते हैं फर्स्ट दे वॉन्ट यू टू कैलकुलेट टीयू टी ओ कैसे निकलेगा हाफ हाफ सीओ स्क्वायर माइनस सीआई स्क्वायर प्लस सीपी टी ओ माइनस टी आई यहां से वो टी ओ निकलवाएगा फिर आपको बोलेगा रो निकालो सो so, रो इज़ इक्वल टू गोट पी ओ अपन आर टी ओ बहुत खड़ूस प्रोफेसर है यहां तक क्लियर है वेरी वेरी वेरी, वेरी खड़ूस प्रोफेसर वेरी 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 खड़ूस प्रोफेसर रे बाबा <laughs> अब दिखाता हूं मैं आपको अब दिखाता हूं आपको महा खड़ूस प्रोफेसर आने वाले हैं अरे बाबा महा 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 जैसे मेरा महा रिवीजन हुआ था ना महा स्ट्रेटेजी हुई थी ना वैसी महा 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 खड़ूस प्रोफेसर मतलब उस लेवल वाले खड़ूस हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं सुनना ध्यान से I am having some perfect gas which is flowing through well insulated horizontal nozzle, horizontal nozzle, and what is the given data? गिवन डेटा इज आई एम हैविंग द परफेक्ट गैस इज गिवन सी आई इज गिवन टी आई इज गिवन पी आई इज गिवन टी आई टी आई दो बार लिख दिया ए आई इज गिवन एंड सी ओ इज गिवन पी ओ इज गिवन और पूछा क्या है टू फाइंड ए माई गॉड ऐसा प्रोफेसर भी होता है क्या रहे बाबा लुक एट हेयर दिस इज द परफेक्ट गैस दिस इज द परफेक्ट गैस दिस इज द परफेक्ट कैस

आई इज गिवन सी ओ इज गिवन पी ओ इज गिवन कैसे करोगे बेटा इस क्वेश्चन को हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जल्दी बताओ बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे हा वेरी गुड अविनाश रे लाला अब यहां कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा अब यहां कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा आर यूल टू रिकल वट वॉज कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज यूर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर स्टडी फ्लो

वट विल बी एरिया ऑफ द नॉजल एट द आउटलेट रो आई ए आई सी आई डिवाइडेड by रो ओ C O निकाल लेंगे यहां से क्या निकाल लेंगे यहाँ से इतना इजी थोड़ी ना है इतना इजी थोड़ी ना है साहब इतना इजी नहीं है रे बबुआ इतना इजी नहीं है रे बबुआ अभी तो फॉर्मूला लिखा है क्या-क्या डेटा गिवन है लडसी व्हाट इज गिवन एआई इज गिवन नो हेडेक फॉर एआई सीआई इज आल्सो गिवन नो हेडेक फॉर सीआई सीओ इज आल्सो गिवन हेडेक है जनाब रो आई का और रो ओ का हेडेक है रो आई का और रो ओ का ये रो आई कैसे निकलेगा ओहो, ये तो महा महा ये तो खून चूस लिया रे बच्चों का ये तो खून चूस लिया रे बब बच्चों का रो आई विल बी वॉट पी आई अपॉन आर टी आई बहुत बढ़िया यहां से निकल गया आपका रो आई पी आई इज गिवन पी आई इज गिवन टी आई इज गिवन निकल गया रो आई रो ओ कैसे निकलेगा फिर हाउ टू फाइंड रो ओ रो इज इक्वल टू वट पीओ अपॉन आर टी यू ओ माई गॉड ओ माई गॉड बहुत ही महा 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 खड़ूस प्रोफेसर है रे बाबा अभी खेल बाकी है पीओ इज गिवन टीओ इज नॉट गिवन ना अब ये टी ओ कैसे निकालोगे हाउ टू फाइंड टी ओ टीओ इज नॉट गिवन ना टी ओ इज नॉट गिवन ना हाफ सी सीओ स्क्वायर माइनस सी सी आई स्क्वायर प्लस सी पी टी ओ माइनस टी आई इज इक्वल टू शून्य ओ हो 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 देख रहे हो बेटा मतलब ऐसे एग्जामिनर कहा होते हैं रे बाबा पहले आप टी ओ निकालो टी ओ उसको यहां रखो रो निकालो रो आई निकालो फिर इस इक्वेशन को लगाओगे तो एओ निकलेगा बाबा रे बाबा ये 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 तीन ये तो घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा <laughs> बाबा रे बाबा ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं अपने पास जान निकाल दी रे बाबा इस क्वेश्चन ने ये तो महा खड़ूस है रे बाबा महा 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 खड़ूस है रे बाबा अब मुझे एक चीज बताना अब मुझे एक चीज बताना समझ में तो आ गया ना आपको समझ में तो आ गया ना क्या करना है देखो वेरी इजी एम आई इज इक्वल टू एम ओ एंड हंड्रेड परसेंट ए विल भी इक्वल टू वट रो आई ए आई सी आई डिवाइडेड बाई रो ओ सी ओ तो आपको रो आई निकालना है रो ओ निकालना है रो ओ निकालने के लिए आपको टी यू निकालना पड़ेगा यार मेरे पास देखो जो डेटा गिवन है डेटा देख कर किसी को समझ में आ रहा है एक और फार्मूला लग सकता था यू सी द डेटा एंड यू टेल मी कैन आई अप्लाई सम अदर फार्मूला ऑल्सो टू फाइंड टी यू डेटा देखो वट एवर द डेटा इज गिवन अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेटा कैन आई फाइंड टीओ बाय यूजिंग सम अदर फार्मूला एक फार्मूला और लग सकता था एक फार्मूला और लग सकता था एक फार्मूला और लग सकता था एक फार्मूला और, और लग सकता था जो आपने नहीं लगाया बताओ कौन सा फार्मूला लग सकता था हा देखो ध्यान से देर कैन बी वन मोर फार्मूला बाई विच यू कैन फाइंड टीओ कैसे निकाल सकते हैं अरे याद आ रहा है एक फार्मूला और था ना अरे इंसुलेटेड नोजल है ना परफेक्ट गैस है ना टी पी पावर व्हाट? वन माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू वट कॉन्स्टेंट टी पी पावर वन माइनस गामा अपॉन गामा इज कॉन्स्टेंट दैट मींस वॉट टी आई पी आई पावर वन माइनस गामा पॉन गामा इज इक्वल टू वी ओ पीओ पावर वन माइनस गामा ना अरे यहां से भी तो निकाल सकते थे यहां से भी तो निकाल सकते थे किसी के दिमाग में आया ऐसा अरे किसी के दिमाग में आया ऐसे भी तो निकाल सकते थे टी आई पी आई पावर वन माइनस गामा पॉन गामा इज एक वन माइनस गामा पॉन गामा बिल्कुल निकाल सकते थे गलती से भी मत लगाना ये फार्मूला भूल कर भी ये फार्मूला मत लगा देना डोंट यूज दिस फार्मूला सर ये आपने ऐसा क्यों बोल दिया कि ये फार्मूला यूज मत कर लेना मैं बताता हूं बेटा वट इज द कंडीशन फॉर यूजिंग दिस फार्मूला वट इज द कंडीशन फॉर यूजिंग दिस फार्मूला ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन इज योर गैस मस्ट बी परफेक्ट गैस फॉर अप्लाइंग दिस फार्मूला योर गैस मस्ट बी परफेक्ट गैस एंड फ्लो मस्ट बी आईस फ्लो

क्वेश्चन में ऑलरेडी परफेक्ट गैस गिवन है हाँ बेटा बिल्कुल गिवन है परफेक्ट गैस इज गिवन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड सोर इन द क्वेश्चन वेल इंसुलेटेड यस दिस कंडीशन इज आल्सो ऑल्सोफाइड लेकिन इंटरनली रिवर्सिबल कहां दिया है रे बाबा अनटिल एंड अनटिल एंड अनलेस इन द क्वेश्चन दे आर नॉट गिविंग यू इंटरनली रिवर्सिबल फ्लो यू शुड नॉट यूज दिस फार्मूला आपके आंसर अलग अलग आएंगे

दे कैन राइट इंटरनली रिवर्सिबल फ्लो एज फ्रिक्शन लेस फ्लो अगर फ्रिक्शन लेस फ्लो वर्ड यूज हो गया अगर फ्रिक्शन लेस फ्लो वर्ड यूज हो गया तो आप मान सकते हैं कि इंटरनली रिवर्सिबल ऑफकोर्स द मीनिंग इज इंटरनली रिवर्सिबल फ्लो एंड यू कैन यूज दिस फार्मूला या फिर आइडियल फ्लो और मे बी दे आर यूजिंग द वर्ड आइडियल फ्लो यहां तक क्लियर है बेटा आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर टिल हेयर बात समझ में आ गई डेंसिटी को कैसे कैंसिल कर दोगे किसने बोला इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो रहा है डेंसिटी कैन चेंज ना बेटा डेंसिटी कैन चेंज ना किसने बोला यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है uh, किसने बोला कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो रहा है आर यू क्लियर टिल हेयर बेटा एब्सोल्युटली क्लियर सो वेन एवर दे आर गिविंग द क्वेश्चन इन गेट एग्जाम योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस फॉर्मूला यस इन द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन इफ they have given लेस फ्लो और आइडियल फ्लो तब आप यहां से भी निकाल सकते हैं लेकिन अगर ये वर्ड यूज नहीं हुए हैं देन योर फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी दिस अरे र झमाझम क्लियर है रे बाबा ब्यूटिफुल देख रहे हो कितना डिटेल में जा रहे हैं हम लोग आप आप डेप्थ देख रहे हो आप कॉन्सेप्ट की डेप्थ देख रहे हो आप फ्यूचर में जो जो गलती करने वाले हो सब चीज बता रहा हूं क्लास में कि यही सीख कर जाओ एग्जाम में ये गलती मत करना यही सीख कर जाओ एग्जाम में ये गलती मत करना याद रखना याद रखना वेन एवर यू आर अप्लाइंग द नॉजल इक्वेशन हाफ सीओ स्क्वायर माइनस सी आई स्क्वायर प्लस सीपी टीओ माइनस टी आई टू शून्य मेक्स योर आइदर द कंप्लीट इक्वेशन इज इन जूल पर के जी और किलो जूल पर के जी रिमेंबर इफ यू आर द परफेक्ट गैस इज फ्लोइंग थ्रू वेल इंसुलेटेड एक बेहतरीन चीज बताई ये फॉर्मूला आप तभी यूज करेंगे व्हेन दे आर गिविंग यू द इंटरनली रिवर्सिबल फ्लो इन द क्वेश्चन और फ्रिक्शन फ्लो इन द क्वेश्चन और आइडियल फ्लो इन द क्वेश्चन ये तो बोचार के लाइक है रे बाबा बोच्छार कर दो हर्ट्स की बोच्छार कर दो रे बाबा बहुत छार कर दो रे बाबा वट्ठा बैठे वट्ठा बैठे ये हुई ना बात एक्सीलेंट एक्सीलेंट अरे मजा 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 वट्ठा बैठे बहुत बढ़िया चलो आगे चले आगे चले कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं अस सी फ्यू कंक्लूजन फॉर परफेक्ट गैस flowing through perfectly means well well insulated horizontal nozzle temperature at the outlet is always less than the temperature at the inlet yes to is always less than ti if you are having perfect gas flowing through the well insulated horizontal nozzle while applying nozzle equation सीपी वैल्यू शुड बी टेकन इन जूल पर kg per पर If इफ यू to टू राइट द इक्वेशन इन जूल पर अगर आप जूल पर केजी में लिखना चाह रहे हैं इक्वेशन तो आपको सीपी को हमेशा और हमेशा जूल पर केजी पर कैलविन में लेना चाहिए ये लिख देता हूं मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है टी पी पावर वन माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैन बी अप्लाइड कैन बी अप्लाइड ओनली वेन परफेक्ट गैस इज अंडर गोइंग इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो इसको फ्लो कर लो ठीक है ये तीन कंक्लूजन बताएं बेटा फटाफट से देख लो ये तीन कंक्लूजन बताएं फटाफट से देख लो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा हाँ ओ हो 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 विश्वास विश्वास को समझ में आ रहा है रही बाबा किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो ये तीन तीन ऑब्जर्वेशन तीन कंक्लूजन बताए हैं किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो रे बाबा इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मजा आ रहा है अब आ रहा है थर्मो पढ़ने का मजा अब आ रहा है थर्मो पढ़ने का मजा अब थर्मो में क्लैरिटी मिल रही है अब थर्मो में क्लैरिटी मिल रही है जरा एक बार देख लेते हैं कहां कहां से हैं ये डाउट क्या होता है रे बाबा आप लोग अभी जहां जहां से लाइव है एक बार टाइप कर दो चैट बॉक्स में एक बार देख लेता हूं कहां कहां से स्टूडेंट्स लाइव हैं फिर चलेंगे डिफ्यूजर के पास देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग डिफ्यूजर क्रिस्टल क्लियर है रे बाबा सौम्या वेरी गुड वेरी गुड राधा वेरी गुड बेटा ऋषभ चंदन वेरी गुड नेकी सर इक्वल टू डाउट आर गेटिंग स्वाहा वेरी गुड वेरी गुड बहुत मजा आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मथुरा ओ हो हो बहुत बढ़िया दीपक वाराणसी से भी हैं झारखंड धनबाद बहुत बढ़िया कटनी से हैं बांदा ओके okay. नासिक सोमेश आर झमा झम जम सैटरडे है हरिद्वार ओ हो हो औरंगाबाद से हैं अक्शीज झमा झम जम क्लियर यूपी गौरंग यूपी में कहाँ से बेटा थाने से है विशाल अरे नासिक से काफी बच्चे हैं जमशेदपुर संजय कुमार वेरी गुड आनंद देहरादून से केरला केरला में कहाँ से बेटा नालंदा से तो हैं ओके okay. भिलाई छत्तीसगढ़ से संगीत कश्यप इज फ्रॉम बाईज़क ओ हो हो आमची बाईज़क मना बाईज़क मना बाईज़क ओके okay. सायन है वेस्ट बंगाल से स्वरूप इज फ्रॉम हैदराबाद नेल्लोर विकी इज फ्रॉम आसाम नेगी साहब इज फ्रॉम चेन्नई अनवेस इज फ्रॉम हिमाचल एमपी से है रिसव नवीन इज फ्रॉम तमिलनाडु वेरी गुड ओके okay. कोल्हापुर हैदराबाद ओ माय गॉड कम कंप्लीट एंटायर एंटायर इंडिया इज कवर्ड रे बाबा वाइजैग से भी काफी हैं सर्वन इज फ्रॉम वाइजैग ओके ओके महाराष्ट्र सांगली ओके प्लेस ऑफ गॉड्स उत्तराखंड यस बहुत बढ़िया केरला फसल ओके okay, चलो आगे चले बेटा राधा इज फ्रॉम पंजाब ओह यशवंत इज ऑल्सो देयर वट्ठा बेठे वट्ठा बेठे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राजमंडरी एक्सेलेंट करिश्मा चलो बेटा नाउ लिसन केयरफुली लिसन केयरफुली नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग डिफ्यूजर है ना वहां जाने से पहले आपको एक और चीज बताता हूं ज्ञान गंगा के बारे में देन वी विल डिस्कस डिफ्यूजर बेटा ये ज्ञान गंगा है सर ये ज्ञान गंगा क्या होती है बेटा एक बार आप जाके देखो वट एवर द फ्री क्लासेज आई हैव टेकन एवरी इज इन दिस ज्ञान गंगा वट एवर थर्मोडाइनोमिक्स वन पॉइंट ओ थर्मोडोनमिक्स टू पॉइंट ओ फ्लूड मैकेनिक्स हीट ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडानिक्स एवरी थिंग इज अरेज इन सिस्टमैटिक वे फॉर यू पीपल हर चीज पूरा सिस्टमेटिक वे में है एक्सी के पीवाई क्यूज यस्टर्डे सो मेनी स्टूडेंट्स फॉर मैसेजिंग मी सर एक्सी के पीवाई क्यूज कहां मिलेंगे बेटा यहां मिलेंगे एक्सी के पूरे पेपर्स आपको यहां मिल जाएंगे सॉल्यूशन आपको यहां मिल जाएंगे यू नीड नॉट टू वरी यू आर नेगी सर इज स्टैंडिंग हेयर आई विल टेक केयर ऑफ यू पीपल

यू विल बी एबल टू रीच दिस ज्ञान गंगा सर हाउ दिस ज्ञान गंगा विल लुक लाइक मान लो आपने ये टाइप किया द मूमेंट यू आर टाइपिंग दिस इन योर एड्रेस बार कुछ ऐसा खुल जाएगा लट सपोज यू आर क्लिकिंग ऑन फ्लूड मैके आपने फ्लूड मैकेनिक्स में क्लिक किया नेम ऑफ द चैप्टर लेक्चर नंबरिंग टॉपिक्स कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो क्लास लिंक आपके क्लास नोट्स के लिंक मिल जाएंगे एक चीज और बता दू बेटा नाउ वन मोर थिंक नेक्स्ट फ्राइडे मैं प्लान कर रहा हूं कि आपके फ्लूड मैकेनिक्स के क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्लूड मैकेनिक्स क्वेश्चन सो बी रेडी विद चैप्टर नंबर वन फ्लूड एंड इट्स प्रॉपर्टीज वहां पर गेट लेवल के जो गेट दो हजार बाईस में आ सकते हैं वो क्वेश्चन में करवाऊंगा तो एवरी फ्राइडे इस तरीके से मैं एक एक चैप्टर करवाऊंगा ताकि आपका दो ढाई महीने में हर फ्राइडे एक एक चैप्टर कवर करते हैं दो ढाई महीने में आपका पूरा का पूरा फ्लूड के प्रैक्टिस हो जाएगी है ना ओके बेटा मेघा ठीक है ओके फाइन फाइन बात समझ में आ रही है ठीक है चलो ओके ठीक है बेटा मैं ज... देखो आप एक चीज समझो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा वन थिंग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बींग द टॉप एडुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लस यू विल बी सींग माई फोटोग्राफ इन ईच एंड एवरी बैच अभी तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और अभी एम स्टार्ट हो रहा है हर जगह आप मेरा फोटोग्राफ देखेंगे सो माई रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू जस्टिफाई दोज बैचेज आल्सो दोज आर ऑलरेडी लॉन्च ऑन प्लस तो मुझे प्लस पर क्लासेस लेनी होती हैं एवरी डे आई एम टेकिंग टू एंड हाफ आवर टू थ्री आवर्स ऑन अन अकेडमी प्लस बट स्टिल वट एवर बेस्ट पॉसिबल फ्रॉम माई साइड आई एम डूइंग फॉर यू पीपल यूट्यूब पर आप लोग के लिए क्लासेस ले रहा हूँ स्पेशल क्लासेस जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लेता हूँ है ना तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हर दिन मैं यूट्यूब पर भी लूँ और उसी दिन मैं स्पेशल भी लूँ तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल देखो फ्राइडे को अगर मुझे टाइम मिलता है तो फ्राइडे मैं ले लेता हूँ फ्राइडे को मैंने इनफैक्ट येस्टर्डे आई हैव टेकन थ्री क्लासेस कंटिन्यूअसली टू टू थ्री थर्टी देन फोर टू फाइव थर्टी देन फाइव फिफ्टी टू मे बी सेवन सेवन थर्टी आई हैव टेकन तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट वन थिंग आई एम प्रोमिसिंग यू जो भी पढ़ाऊंगा बेस्ट पढ़ाऊंगा वट एवर आई विल टीच यू आर गोइंग टू एन्जॉय लाइक एनी आपको मजा आने वाला है देखो पढ़ाते सब हैं बट वट एवर यू विल लर्न हेयर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे पे लोड आ रहा है आप एंजॉय करोगे यू विल एंजॉय यू लर्निंग विद मी द वे आई एम एन्जॉइंग माई टीचिंग इन द सेम वे यू आर गोइंग टू एंजॉय द लर्निंग इतना पक्का है आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा यू विल नेवर कम टू नो टाइम इज़ ओवर आपको कभी ऐसा लगे अरे अनकेडमी प्लस पे तीन घंटा हो जाती है क्लास तब बच्चे बोलते हैं अरे सर टाइम खत्म हो गया तीन घंटा तो पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल गया तो आपको तो मज़ा आने वाला है यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग है ना ठीक है ठीक है क्लियर है चले आगे आ यस 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 चलो चलो व्हाट इज द डिफ्यूजर व्हाट इज द डिफ्यूजर यस यस वंत चलो डिफ्यूजर क्या होता है बेटा जरा जल, जल्दी से बताना व्हाट इज डिफ्यूजर

Let us सपोज ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना इसको ऐसे बना देते हैं लटस सपोज आई एम हैविंग समाइवर्सिंग डकट दिस duct, डक्ट us सपोज द fluid फ्लो इज टेकिंग प्लेस Fluid फ्लो दिखा देता हूं आपको us सपोज द fluid फ्लो इज टेकिंग प्लेस लेफ्ट टू राइट And let us suppose this is inlet, this is outlet. So, this is your diffuser, this diverging duct, this diverging duct will be behaving as a diffuser. Of course, the assumption is. we are having subsonic flow fine now try to understand better let me say this is inlet this is outlet here the area is ai velocity is ci here the area is a o velocity is co so being diverging duct a o is more than ai

समझ में आई यह है डिफ्यूजर खत्म खातम दिस इज अ डिफ्यूजर दिस इज अ डिफ्यूजर रे बाबा दिस इज योर डिफ्यूजर रे बाबा वट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजर नोजल का उल्टा नोजल का उल्टा है रे बाबा नोजल का उल्टा है रे बाबा नोजल को उल्टा कर दो आपका डिफ्यूजर हो गया द मीनिंग इज वट एवर वट एवर द इक्वेशन वी हैव सीन फॉर नोजल दोज इक्वेशन आर एलिजिबल फॉर डिफ्यूजर जितनी भी जो भी मदर इक्वेशन गर्लफ्रेंड इक्वेशन मैंने आपको बताई वो इक्वेशन आप डिफ्यूजर के लिए भी लगा सकते हैं क्योंकि डिफ्यूजर में भी तो वही होगा रही बाबा डब्ल्यू डॉट सी वी जीरो देखो क्यू डॉट इज इक्वल टू वट डेल्टा के ई डॉट प्लस डेल्टा पी ई डॉट प्लस डेल्टा एस डॉट यस दिस इज द मदर इक्वेशन फॉर नोजल सेम इक्वेशन सेम इक्वेशन वी कैन अप्लाई सेम इक्वेशन वी कैन अप्लाई फॉर डिफ्यूजर आल्सो नो प्रॉब्लम यही इक्वेशन आप यही इक्वेशन आप डिफ्यूजर के लिए भी लगा सकते हैं दिस इक्वेशन यू कैन यूज फॉर डिफ्यूजर आल्सो दिस इज द मदर इक्वेशन जो आप लगा सकते हो what will be the gulf equation? let us suppose i am having well insulated horizontal diffuser. then what is the gulf equation? delta ke plus delta is small h or delta ke dot plus delta capital s dot is equal to sunia or you can say delta ke plus delta is small h is equal to sunya. एनी वन इन द क्लास बेटा फॉर अप्लाइंग दिस गर्लफ्रेंड इक्वेशन वट विल बी द कंडीशन वट विल द कंडीशन आई एम हैविंग वेल इंसुलेटेड वेल इंसुलेटेड हॉरिजोंटल डिफ्यूजर बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है हा एक एक छोटा सा डिफरेंस है वो बता देता हूं एक छोटा सा डिफरेंस है वो बता देता हूं ध्यान से सुनना डेल्टा के ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच इज इक्वल टू तो शून्य हाफ सीओ स्क्वायर माइनस सी आई स्क्वायर इन ब्रैकेट एच माइनस एच आई इज इक्वल टू शून्य But anyone in the class can tell me this will be positive or negative negative. 100 percent. This will be negative for diffuser, and if this is a negative, what will be this? This will be positive. So, what I'm getting, H -O minus H I am getting? HO minus HI is a positive, na? greater than 0. So, that means HO is greater than HI. So, 100 percent in the case of diffuser. स्पेसिफिक एन्थैल्पी एट आउटलेट विल बी मोर दिफिकट सो हंड्रेड परसेंट स्मॉल एच इज इक्वल टू वट स्मॉल यू प्लस पी स्मॉल यहां तक क्लियर है बेटा झमाझम जम तरीके से क्लियर है फटाफट से कंफर्म कर दो बोलो रे बाबा आर यू क्लियर टिल हेयर ब्यूटफुल ओ हो हो बहुत बढ़िया बता तो दिया निकेत स्मॉल एच इज इंक्रीजिंग ना बेटा स्मॉल एच इज इंक्रीजिंग ना स्मॉल एच इज इक्वल टू वट स्मॉल यू प्लस पी स्मॉल वी है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कितने लोग स्टार्टिंग से हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास फ्रॉम स्टार्टिंग बट डिफ्यूजर में वेलासिटी डिक्रीज होती है डिफ्यूजर में वेलासिटी डिक्रीज होती है है ना देर वी आर इंक्रीजिंग द प्रेजर एट द एक्सपेंस ऑफ कानटिक एनर्जी कानटिक एनर्जी कम होती है और प्रेजर एनर्जी बढ़ती प्रेजर बढ़ता है बेसिकली है ना तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ कि क्या कम हो रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ कि क्या बढ़ रहा है तो इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है इट इज यूज टू इंक्रीज द प्रेजर बट दट प्रेजर हाउ इट्स इंक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी बाईटिकॉटा बोटे वेरी गुड बेटा ये लगे रहेंगे जितने भी नेगी सोल्जर्स हैं लगे रहेंगे आपको मैंने एक प्रॉमिस किया था आपने एक चीज ऑब्जर्व करी इस वीक में वेन वी स्टार्टेड ऑन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच दिन में एक भी क्लास आपकी पोस्टपोन नहीं हुई है मैं बिल्कुल सीरियस हूं रे बाबा आप लोगों के लिए आई एम एक्सट्रीमली सीरियस फॉर यू पीपल इन द लास्ट फाइव डेज इवन अ सिंगल क्लास इज नॉट पोस्टपोन्ड 550 फिफ्टी मीन्स फाइव पूरा सीक्वेंस में चल रहा हूं अगर आप लोग लाइव बने रहोगे इफ यू पीपल आर लाइव कंप्लीट थ्री वीक्स का यू रिमेंबर वी हैव वी हैव द डे वाइज प्लान आपको पहली क्लास में मैंने डे वाइज प्लान बताया था वी आर गोइंग एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट प्लान पाँच क्लास पहला वीक खत्म हो गया बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूजडे ट्यूजडे वेटे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं नाउ संडे देर इज नो क्लास बिकॉज आई एम हैविंग सम अदर क्लासेस टेन टू ट्वेल्व आवर्स क्लासेस देन मंडे वी आर गोइंग टू मीट एंड विल बी सॉल्विंग द पी वाई क्यूज ऑफ नॉजल एंड डिफ्यूजर तो बिल्कुल मिस नहीं करना है अरे बाबा बिल्कुल मिस नहीं करना है रे बाबा आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उनको बोल दो अभी से ही बोल दो मंडे को पी क्यूज होंगे नॉजल के डिफ्यूजर के लाइव बने रहेंगे है ना ठीक है स्टीम टेबल वाले बेटा वो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में है ना मंडे सेम टाइमिंग टाइमिंग तो फिक्स्ड है टाइमिंग तो अपना 550 फिक्स है टाइमिंग तो अपना 550 फिक्स है है ना अरे मजा, मजा 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 कल आ, आप लोगों का हॉलीडे मेरा नहीं है मेरी तो कल सुबह से क्लास है सुबह से रात तक क्लास है आप लोग का हॉलीडे है मेरा हॉलीडे नहीं है <laughs> आप लोगों का हॉलीडे है आप रिवाइज करो जो भी मैंने ट्यूसडे से अभी तक पढ़ाया फटा फटाफट से रिवाइज कर डालो कल रिवाइज कर लो है ना गेट एग्जाम में स्टीम टेबल अलाउड होता है बिल्कुल नहीं होता बेटा आपको जो भी टेबल का रिक्वायरमेंट होता है वो गेट एग्जाम में दिया होगा आपको क्वेश्चन में वट एवर द एक्सट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड वट एवर द डेटा इज रिक्वायर्ड विल बी गिवन इन गेट एग्जाम है ना ठीक है तो एकदम पढ़ते रहो पढ़ते रहो एकदम डटकर है ना मैं आपके साथ हूं और नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों के लिए फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं है ना टाइमिंग रहेगी देख लेंगे दो बजे या चार बजे वाला स्लॉट जो भी है फ्राइडे को आपके तीन स्लॉट रहेंगे टू पी एम फोर एंड 5:50 फिफ्टी इन तीन स्लॉट में मैं क्लासेस लूंगा क्या क्या क्लासेस लेने वाला हूं फाइव फिफ्टी पी एम पे तो आपका ये फिक्स्ड है क्या बोलते हैं ओपन सिस्टम एनालिसिस दो पी एम चार पी एम वाले पे दो, दो सेशन लूंगा फोर पी एम या टू पी एम जो भी सही रहेगा उसमें फ्लूड मैकेनिक का चैप्टर नंबर वन फ्लूड एंड इट्स प्रॉपर्टीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि गेट दो हजार बाईस में आ सकते हैं रिविजन कर लो है ना फ्लूड एंड इट्स प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे करेगा ना सर वर्चुअल कैलकुलेटर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए तो बोला प्रैक्टिस करने के लिए आप सोचो अगर अभी यूज नहीं करोगे सीधा एग्जाम में करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना तभी तो बोला अभी से ही अभी से ही देखो यार ये तो आपको पता है ना स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में भी थोड़ी खटपट होती है ना परेशानी होती है ना स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी होती है ना रे बाबा कोई भी नया रिलेशनशिप होता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है तो भी तो आपने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया है जस्ट रिसेंटली यू स्टार्टेड योर रिलेशनशिप विद गेट वर्चुअल कैलकुलेटर लेकिन उसको स्लोली 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 एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है तो बैठ जाएगा हाथ टाइम के साथ साथ वर्चुअल कैलकुलेटर कहां मिलेगा बाबा रे बाबा एक काम करूंगा आज टन वाले में डाल दूंगा ठीक है नेगेट टन वाले टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा क्या ही तो एग्जाम्पल दिया है रे बाबा एच एम टी पढ़ लो ना रेडिएशन रेडिएशन पढ़ा दिया है कन्वेक्शन पढ़ा दिया है ठीक है एक्सपीरियंस ईएससी <laughs> में नहीं अलाउड होता बेटा ईएससी प्री में अलाउड नहीं होता है मेंस में होता है मैनुअल कैलकुलेटर विल सी बेटम राम जब भी लाऊंगा तो आपको बता दूंगा कुछ भी आएगा आपको बता दिया जाएगा ठीक है आपको बिल्कुल चिंता करनी ही नहीं है चलो मैं आपके और क्वेश्चन लूंगा थोड़ी देर में आपके और क्वेश्चन लेता हूं ठीक है आई विल कीप ऑन टेकिंग योर क्वेश्चन रेडी रहो अपने क्वेश्चन के साथ तो बेटा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है लाइक like करो सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो रे बाबा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं देर आर सो मेनी स्टूडेंस आर आस्किंग सर वट इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड एन प्लस बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज माई पर्सनल गार्डेंस द मूवमेंट You are coming on कमिंग ऑन अन अकेडमी प्लस यूजिंग द रफल कोड नेगेटे आई एम गोइंग टू मेक batch कस्टमाइज बैच uh, batch for you people. कब कहाँ किससे कैसे पढ़ना है वो सब आपके लिए मैं बताने वाला हूँ। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि सर मुझे कन्फ्यूजन होता है कन्फ्यूजन कुछ नहीं है जैसे आपनेट लगाया नाउ आई विल बी your वन स्टॉप solution. आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनवाना कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है कैसे पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है कितना पढ़ना है हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ तो मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है अनएकैडमी प्लस पर क्लासरूम का इन्वरॉनमेंट मिलता है कॉम्पिटेटिव इन्वरमेंट मिलता है सीरियस टीचिंग सीरियस लर्निंग होती है ये एक बैच स्टार्ट हुआ था इवॉल्व फॉर गेट